अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्राइट सनी संडे. इट्स अ वर्किंग संडे फॉर मी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अपने साथ लेके आऊँ. अ लॉट ऑफ यू कीप आस्किंग कि सिद्रा, व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर एन इवेंट, तो बिहाइंड द स्टेज क्या हो रहा होता है, बिहाइंड द सीन्स एक्शन क्या होता है, हाउ डू यू एक्चुअली प्रिपेयर. तो मैंने सोचा कि आपको अपने साथ लाया जाए. राइट नाउ आई एम एट द एयरमैन गोल्फ क्लब, और अगर आप कराची से वाकिफ़ हैं तो इट्स क्वाइट अ ड्राइव अवे, इट्स बियॉन्ड CBM, बियॉन्ड a lot of things. तो अच्छा खासा वक्त लगता है यहाँ पे आने के लिए. मैं और मेरी टीम यहाँ पे मौजूद हैं और हम अकेले नहीं हैं. देर अबाउट 400 गोल्फर्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान. इसकी वजह यह है कि यहाँ पे हो रही है, आज है जी कल्मिनेशन ऑफ द 40th चीफ ऑफ एयर स्टाफ ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप 2021. अच्छा, पिछला साल बड़ा अजीब सा था, सारे ही स्पोर्टिंग इवेंट्स दुनिया के कैंसिल हुए और कोविड की वजह से यूजुअली हमारी इस चैम्पियनशिप में इंटरनेशनल गोल्फर्स भी आते हैं, लेकिन इस साल आ नहीं पाए. बट द शो मस्ट गो ऑन. तो आज आपकी मुलाकात होगी पाकिस्तान के बेहतरीन गोल्फर्स से, हु आर गोइंग टू बी टेकिंग दीज प्राइजेस होम. एंड ऑफ कोर्स चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान विल आल्सो बी हियर टू पर्सनली गिव दीज प्राइजेस अवे. इस सेरेमनी को मैं कंडक्ट कर रही हूँ. प्रेशर बहुत होता है बिकॉज लास्ट मिनट तक विनर्स के नाम और बाकी चीज़ें कंपाइल हो रही होती हैं. वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ गेस्ट हियर टुडे एज वेल. तकरीबन 400 लोगों की तैयारी तो की है, लेकिन ये इतनी खूबसूरत, इतनी लश ग्रीन जगह है कि इट्स एब्सोल्युटली कोविड कंप्लायंट. बाकी ये है कि मास्क वगैरह आपके साथ होने चाहिए. सो लेट मी शो दिस अमेजिंग इवेंट टू यू, और साथ साथ बताएंगे कि चाहे कितने भी इवेंट्स क्यों ना हो जाएं, वो बटरफ्लाइज वाली फीलिंग, वो नर्वसनेस हमेशा रहती है, बट इट स्टिल इज गोइंग टू बी वर्थ योर टाइम. सो स्टे विद मी एंड लेट्स स्टार्ट. सो आई थॉट आई ऑल्सो शो यू द वेन्यू. अभी हम थोड़ी देर के बाद वहाँ पे जाएंगे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए. स्टेज पे द होल सेरेमनी विल हैपन, बट राइट नाउ एज यू कैन सी दिस इज़ द एयरमैन गोल्फ क्लब, और ये ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरे साउथ एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्फ कोर्सेज है. ये 180 एकर्स पे फैला हुआ है एंड इट्स बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. यू कैन सी द एम्बलम राइट है, दिस इज़. और आज यहाँ पे जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज में, प्रोफेशनल, एमेच्योर, एट्सेट्रा, इवन वुमेन गोल्फर्स, दे ऑल हेयर. और अब देखते हैं कि ये 40th चीफ ऑफ एयर स्टाफ ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप कौन अपने नाम करता है. सो थोड़ा सा ही वक्त रह गया है. चीफ गेस्ट यानी द चीफ ऑफ एयर स्टाफ विल बी अराइविंग एट वेन्यू, और उसी के साथ हमारा इवेंट शुरू हो जाएगा. अच्छा, नो मैटर आपने कितने इवेंट्स किए हों, कितने सालों से आप ये काम कर रहे हो, हर इवेंट से पहले एक एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, खौफ दोबारा वापस आ जाता है. और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या आपको नर्वसनेस नहीं होती. बिल्कुल होती है, बल्कि इस पॉइंट पे ऐसा लगता है कि आपको इवेंट के बारे में जो कुछ पता है, जितनी डिटेल्स पता है, वो सब जहन से निकल गई हैं, बिल्कुल ब्लैंक हो गए. लेकिन मुझे किसी ने बताया था, एंड दिस टिप रियली हेल्प्ड मी, कि आपकी बॉडी में जो सिग्नल्स होते हैं ना, नर्वसनेस के और खौफ के और एक्साइटमेंट के, वो सिमिलर होते हैं. सो इट इज़ रियली द मीनिंग दैट यू अटैच टू इट. अगर मैं इस चीज़ को एक्साइटमेंट के तौर पर एनालाइज और उसको मायने दे दूँ, तो ये मुझे हेल्प करेगा. देन आई विल फील लाइक अ चैम्पियन हु इज़ अबाउट टू गो इन द रिंग. और उससे पहले जो आपकी फीलिंग हो रही होती है, बटरफ्लाइज इन द स्टमक. लेकिन अगर मैं इसको अपने ऊपर हावी कर लूँ और मैं सोचूँ कि मुझे तो डर लग रहा है, एंड ओ माई गॉड इतने लोग हैं और मेरी एक ही गलती पकड़ लेंगे और सब मुझे देख रहे हैं, यू नो समटाइम्स पीपल गेट दैट स्टेज फ्राइट कि सब उनको देख रहे हों, तो रादर देन दैट बींग समथिंग दैट दे लुक फॉरवर्ड टू, इट स्टार्ट्स टू स्केयर देम. तो बस सारा मीनिंग का गेम है. आई थिंक मीनिंग अटैच करें, पॉजिटिव मीनिंग्स अटैच करें, थिंग्स बिकम ईजियर. एंड आई सी अ लॉट ऑफ मूवमेंट, सो आई फील दैट द चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैज़ अराइव्ड. सो लेट्स गेट गोइंग. और मुझे ब्रीफिंग देनी है यहाँ पे, लोगों को बताना है कि इस इवेंट में वो क्या एक्सपेक्ट करें. Ladies and gentlemen, may I request you to kindly settle down as our honorable chief guest has arrived at venue. He will be shortly joining us at the closing ceremony of the 40th Chief of Air Staff Open Golf Championship 2021.